Assalamu alaikum and very good afternoon to all of my engineering students. And today we are going to discuss the topic of fourth semester engineering students of electronics and communication engineering. The topic is basically we are going to discuss the first chapter that is known as AM receivers. ठीक है, तो आप heading note करिए AM receivers. AM receivers क्या है, यानी किसी भी मैसेज को अगर हम यहां से ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिट करनी है तो हम जो लास्ट वाला पार्ट जो इस ट्रांसमीटर का होता है वो एक एंटीना होती है. ठीक है, एक्चुअल में हम जब बात करते हैं, एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन से, अगर हम बात करेंगे तो वो ट्रांसमिट एक्चुअली हम बात करते हैं किसी ऑडियो फॉर्म में, लेकिन जब हम इसको यहां से किसी दूर वाली जगह पर, सेंडर हमारा रिसीवर बैठा होगा किसी दूर वाली जगह पर, तो वहां पर हम इसको एज ऑडियो नहीं भेज सकते. तो क्या करते हैं हम, इस एंटीना के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी पहले हम इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं. और सो लेट्स हैव अ लुक एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट एएम रिसीवर्स. तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एएम, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर्स. और बेसिकली ये जो रिसीवर्स होता है इनका क्लासिफिकेशन है जो हमारे सिलेबस में है. तो हमारे सिलेबस में जो पहला रिसीवर है वो पहला रिसीवर है जिसको आप बोलते हो टी आर एफ. क्या बच्चे बोलते हैं इसको, टी आर एफ, इसको बोलते हैं ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी. लेट्स हैव अ लुक. तो इसको मैं यहां बना के देता हूं, इसको लिखते हैं ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी. इस पर आते हैं, ये तो बहुत पहले यूज होता था इस तरह का रिसीवर टी आर एफ. और उसके बाद में इसका एडवांस, इसको थोड़ा एडवांस कर दिया हमने, और एडवांस में हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज नोन एज सुपर हीटेरियोडाइन, सुपर हीटेरियोडाइन. सो सुपर हीटेरियोडाइन रिसीवर इज आल्सो एन एएम रिसीवर बट एडवांस ऑफ टीआरएफ, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी का एडवांस हमारे पास एक नया रिसीवर है, इसको बोलते हैं सुपर हीटेरियोडाइन रिसीवर. एंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. इसके ऊपर बहुत आगे से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक एक ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बेसिक बेसिक आज सीखेंगे. ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट है उसको बोलते हैं पीएलएल. पीएलएल, पीएलएल का मतलब हो गया फेज लॉक्ड लूप, फेज लॉक्ड लूप. सो इट इज ऑल्सो ए रिसीवर बट इट इज बेसिकली ए फ्रीक्वेंसी एफएम रिसीवर. ठीक है, इट इज बेसिकली एन एफएम रिसीवर बट वी आर डीलिंग इन दिस टाइम, हमें हम पहले किन को डिस्कस करेंगे, हम टीआरएफ को डिस्कस करेंगे और हम सुपर हीटेरियोडाइन रिसीवर को डिस्कस करेंगे. एंड लेट अस स्टार्ट विथ दिस सिंपल टीआरएफ जिसको आप ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर बोलते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीआरएफ. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीआरएफ रिसीवर, ब्लॉक डायग्राम टीआरएफ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टी आर एफ रिसीवर. कौन कौन से ब्लॉक इसमें हमारे होते हैं, किस, तो रिसीवर को स्टार्ट करने से पहले पहला जो पार्ट है रिसीवर का, पहला पार्ट जो रिसीवर का वो होता है एंटीना. क्यों होती है बच्चों एंटीना, क्योंकि इसको तो रिसीव करना है ना, तो इसको बोलेंगे रिसीविंग एंटीना. तो रिसीवर के पहला जो है वो रिसीविंग एंटीना से स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रांसमिटिंग एंड से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आएंगी, उनको पहले कहां पर इंटरसेप्ट होना है, कहां पर कौन लेगा उनको, उनको एक एंटीना लेगी, और उसके बाद में
तो बच्चों जो पहला पार्ट होगा ब्लॉक डायग्राम, आप क्योंकि अब ये रिसीवर है, ट्यूनर रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जिसको आप बोलोगे रेडियो फ्रीक्वेंसीज, वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज कहां से आएंगी? वो तो ट्रांसमिटिंग साइड से आएंगी, ट्रांसमिटिंग एंड से आएंगी, तो उनको पहले रिसीव एंटीना करेगी और उसके बाद में सर्किटरी को जाएगी। तो पहला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा रिसीविंग पार्ट होगा। चलिए, दिस इज बेसिकली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीआरएफ रिसीवर। ठीक है, तो एंटीना तो मैंने आपको बोल दिया, एंटीना क्या करती है, ये यहां पर इंटरसेक्ट करती है। ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां पर रिसीविंग एंटीना के बाद में हमारे पास पहला जो ब्लॉक है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, दूसरा डिटेक्टर, तीसरा ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर और ये पावर एम्पलीफायर, और पावर एम्पलीफायर के बाद हमारे पास लाउड स्पीकर जहां से ये ड्राइव करेंगे हम, जहां से ये हमें सुनाई देगा जो हमें रिसीव करना है, जहां से हम इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर है और ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर यहां पर दूसरा एम्पलीफायर और यहां पर तीसरा एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर, तो तीनों बेसिकली ये पावर एम्पलीफायर एम्पलीफायर्स हैं, उनमें से तीनों ये हमारे पास एम्पलीफायर्स हैं। तो यहां पर उसके बाद में डिटेक्टर, अब ध्यान से देखिए, अब यहां ट्रांसमिटिंग एंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव्स आएंगी, तो ये पहले कहां पर आ जाएंगी? रिसीविंग एंटीना के पास। और ये जो रिसीविंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना एक तो इंटरसेप्शन का काम करती है, इंटरसेप्शन, इंटर यानी हम बोलेंगे इंटरसेप्ट यहां करता है, और दूसरा सिलेक्ट, सिलेक्शन भी ये करता है। ध्यान से देखिए मैं जो बोलने वाला, एक तो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्शन बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला कि जो एक्चुअल में हमारे पास रिसीविंग एंटीना जो है, एंटीना इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक, इट इज अ सिंपली कंडक्टर, इट इज यूज्ड विथ एन एंटीना रिसीवर के साथ, ये सारा जो हमारे पास रिसीवर का पार्ट है ये एंटीना के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इंटरसेप्ट रिसीव, ये क्या करता है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या हम बोलेंगे रेडियो वेव्स को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है, और उसके बाद में अब देखिए इंटरसेप्ट मतलब ये सारी, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर खाली जो हमारी रिक्वायरमेंट है, खाली जो हमारे पास हमें जो डिजायर सिग्नल चाहिए खाली वो नहीं होगी, यहां पर तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, बहुत सारी रेंज की, वो सारी यहां पर इंटरसेप्ट हो जाएंगी। तो एंटीना का काम क्या है? एंटीना तो पहला इंटरसेप्ट करता है, अरे हां जितने भी नंबर ऑफ वेव्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन सबको ये इंटरसेप्ट करता है, यानी रिसीव करता है। उसके बाद में अब कौन सी वेव्स हमें चाहिए, कौन सी हमारी डिजायर्ड है, तो इसका दूसरा काम है सिलेक्ट करना। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब इट सिलेक्ट डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी, इट सिलेक्ट डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट अदर अन या बोलेंगे अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये एंटीना क्या करता है, इस सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्ट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, सिलेक्ट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो रिजेक्ट्स, ऑल्सो रिजेक्ट्स अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे जिसको आप बोलेंगे अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो एंटीना का काम इसमें यहां पर क्या है, एंटीना एक तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव जितनी की रेंज में होंगी उन सबको इंटरसेप्ट करता है, और इंटरसेप्ट करने के बाद कौन सी डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उसको आगे जाने देता है, सिलेक्टेड वन, और बाकी अनवांटेड को ये रिजेक्ट कर देता है। और वही मैंने बोला सिलेक्टेड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो रिजेक्ट्स ऑल अदर अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है। अब ध्यान से देखिए, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये एंटीना में ऐसा आपने बोला सर एंटीना इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या एंटीना होता क्या है, ये रिसीविंग एंटीना होती क्या है, सिंपल एंटीना होती क्या है, इट इज नथिंग बट ए टैंक सर्किट, नाम सुना है ना। सो एंटीना क्या है,
एंटीना बच्चों है एक टैंक सर्किट, और आपको पता है टैंक सर्किट में क्या होता है? टैंक सर्किट में एक वेरिएबल कैपेसिटर एंड वेरिएबल इंडक्टर, ये मैं एंटीना की बात कर रहा हूं, वेरिएबल इंडक्टर। सो एंटीना इज टैंक सर्किट एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ए वेरिएबल कैपेसिटर एंड वेरिएबल इंडक्टर एंड कैन चेंज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और हम क्या कर सकते हैं इस टैंक सर्किट से, क्योंकि ये वेरिएबल है, वी कैन चेंज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, चेंज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और प्यारे बच्चों, अगर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, तो अगर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज किया एंड ए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, उस चेंज करने से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से वी कैन चेंज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से एंड ए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड, और उसके चेंज करते करते क्या आ जाए होगा, उसको एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो जाएगी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड, और इस तरह से हमारी एंटीना सिलेक्ट करती है। तो क्या याद रखा आपने? हमने याद कर लिया कि बेसिकली जो रिसीवर होता है, रिसीविंग एंटीना होती है, इंटरसेप्ट करती है सब वेव्स को अपने पास आने देती है, उन सबको इंटरसेप्ट करती है, और वहां से एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है और अनडिजायर्ड को रिजेक्ट करता है। और बेसिकली एंटीना इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल इंडक्टर, और क्या होता है इससे हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड इफ वी आर इन अ पोजीशन टू चेंज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो डियर स्टूडेंट्स वी कैन सिलेक्ट अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर रिसीविंग एंटीना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, ये तो हमारा अब ये सिलेक्टिविटी सेंसिटिविटी वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहां तक आए। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और ये तो मैंने पहले ही बोला ये सबके सब क्या है, ये सबके सब एम्पलीफायर्स हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की अगर बात करें, वही क्यों करते हैं, हमें यहां पर क्या मजबूरी है कि हमें एम्पलीफाई करना पड़ा, एम्पलीफाई करना पड़ा क्योंकि यहां पहुंचते पहुंचते इनका गेन जो है, गेन कम हुआ होता है, ठीक है। सो द गेन जो है या रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वी एम्पलीफाई इट, व्हाई वी एम्पलीफाई द सिग्नल, जो सिग्नल हमारे पास आई उसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, इट बिकॉज जो हमारे पास इट इज गेन इज लो। सो यहां पर जो है इसका गेन जो है, गेन लो है, और इस गेन को अप करने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल। और यहां ध्यान रहे, हम एम्पलीफायर यूज करेंगे क्योंकि यहां पर भी एम्पलीफायर है, यहां पर भी एम्पलीफायर है, और यहां पर एम्पलीफायर है, यहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, यहां ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर है, और यहां पावर एम्पलीफायर है। तो इन तीनों कौन सा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, तो एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज द एम्पलीफायर्स। सो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट कहां पर कैसी रिक्वायरमेंट है हमें, तो उसके हिसाब से हम एम्पलीफिकेशन करेंगे। अब देखो यहां पर हमें गेन बढ़ाना है, तो गेन यहां पर कम है, तो हम सिंपल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, क्लास सी एम्पलीफायर। और अगर आपको याद होगा क्लास सी एम्पलीफायर हम गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, क्लास सी इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्लास बी बिकॉज क्लास सी इज एफिशिएंट एंड इट इज गेन इज हाई। तो क्या करते हैं हम, क्लास सी के हम बी को यूज नहीं करते क्योंकि सी की जो एफिशिएंसी है वो हाई है, बी सी, और इसका गेन भी हाई है। अगर आपने प्रीवियस थर्ड सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पर हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वी नीड हाई एफिशिएंसी, वी नीड हाई गेन, एंड फॉर दैट पर्पस इट इज बेस्ट टू यूज एज ए क्लास सी
एम्पलीफायर कैन बी यूज एज ए क्लास सी एम्पलीफायर एंड इट्स परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड सबसे और एक बात, रिड्यूसेस नॉइज इफेक्ट एंड ऑल्सो ये जो हमारे पास क्लास सी एम्पलीफायर जो हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं ये हमें रिड्यूस करके देता है, रिड्यूसेस नॉइज इफेक्ट, ये नॉइज इफेक्ट को रिड्यूस करता है। इसी तरह से हमारे पास जो डिटेक्टर है, अब ध्यान से देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट, इस वाले पार्ट में तो हमें क्या करना है, गेन, हमें गेन बढ़ाना है, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है और उसके लिए हम क्लास सी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास सी बी क्यों नहीं किया, क्योंकि क्लास सी जो है उसकी एफिशिएंसी बी से ज्यादा है और उसका गेन हाई है और क्लास सी जो है ये रिड्यूस करता है नॉइज इफेक्ट। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज आवर डिटेक्टर। देखिए, जब ट्रांसमिटिंग एंड से हम किसी मैसेज को भेजते हैं तो हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं, वी आर यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, और उस वाले जब हम कैरियर के ऊपर मैसेज रखते हैं उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और किस तरह की मॉड्यूलेशन होगी, वेदर इट इज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वेदर इट इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वेदर इट इज अ फेज मॉड्यूलेशन, तो हमें उससे गर्ज नहीं है। तो ये डिटेक्टर क्या करता है, ये डिटेक्टर यहां तक जो हमारे पास वेव आती है, हमारे पास रेडियो वेव आती है, वो रेडियो वेव मॉड्यूलेटेड वेव आती है, उसके साथ कैरियर होता है, तो ये क्या करता है, ये उस कैरियर को हटा देता है। क्या करता है इसको, ये कैरियर को हटा देता है। कौन हटा देता है कैरियर को, तो जो हमारे पास डिटेक्टर है ये डिटेक्टर कैरियर को, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिटेक्टर, ये कैरियर को हटा देता है और रिकवर करता है, रिकवर्स बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड का मतलब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास है विदाउट मॉड्यूलेशन, दैट इज बेस बैंड सिग्नल, रिकवर्स बेस बैंड सिग्नल या मैसेज जिसको आप बोलते हो, मैसेज फ्रॉम ए कैरियर, फ्रॉम ए कैरियर। तो यह हमें एक्चुअल में जो हमारे पास यहां तक कैरियर होता है उस कैरियर को ये डिटेक्टर हटा देता है और हमारे पास एक्चुअल जो मैसेज हमें चाहिए उस मैसेज को वो हम तक पहुंचा के देता है। सिंपली डिटेक्टर क्या करता है, कैरियर को हटा देता है और हमारे पास एक्चुअल में जो हमारी मैसेज है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको यहां पर लाके देता है और कैरियर को यहां से हटा देता है। ये काम करता है डिटेक्टर, क्योंकि एम्पली मॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेशन भी हम बोल सकते हैं इसको, यहां पर ये करके देता है। उसके बाद में हमारे पास जो है ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर एंड ऑडियो पावर एम्पलीफायर, तो ये अब मसला ये है जहां पर ये हमें अब जहां पर जो हमारे पास मैसेज मिलती है ये मैसेज यहां पर आ गई। अब ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर, और ऑडियो पावर एम्पलीफायर मैंने बोला यहां पर हम आरसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, इसको इनकी इस मैसेज को हम ऐसे बना, ये दोनों इस मैसेज को ये वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है, बिकॉज इट इज अ वोल्टेज एम्पलीफायर तो ये वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है। तो ये वाले दो जो है ये इस सिग्नल को ऐसे एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि हमारे लाउड स्पीकर को ड्राइव कर सके, हमारे लाउड स्पीकर को क्या करेंगे, ड्राइव कर सकें और हमें सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर, जो जिस फॉर्म में जो हमारे लिए ऑडिएबल होगा, जो हमारे लिए बेस्ट होगा, उस वाले फॉर्म में हमें लाके देते हैं और इस तरह से हम इनका एम्पलीफाई करते हैं। आरसी कंप्लीट एम्पलीफायर यहां पर यूज होता है, एम्पलीफाई द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो लाउड स्पीकर रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो ये जो लाउड स्पीकर है ये लाउड स्पीकर रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो जो हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंड में जिस तरह की मैसेज होगी हमें यहां पर रिप्रोडक्शन करके हमें ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में वापस भेज के देता है, उसी सुटेबल फॉर्म में हमें ये बना के देता है। दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ टीआरएफ रिसीवर्स, ठीक है। और टीआरएफ रिसीवर की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हमने इसको फिर एडवांस में हम क्यों लेके आए और एडवांस में हमने बना के दिया कौन सा, सुपर हिटिरोडाइन रिसीवर। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, इंशाल्लाह जो मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसका जो एडवांस है वो है सुपर हिटिरोडाइन रिसीवर। थैंक यू।